हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स। में फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है NICPR की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसमें डिप्लोमा और बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। सो यस फ्रेशर्स, इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, जिसमें आप लोगों को सैलरी 64,938 पर मंथ मिल जाएगी। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल इंट्रोडक्शन की तरफ। तो फ्रेंड्स, यही इसका ऑफिशियल इंट्रोडक्शन जो आप लोग देख पा रहे हो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च की तरफ से निकल कर आ रही है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट कर डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक परमानेंट जॉब है, कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल या तो टेम्पोरारी जॉब नहीं है। इसमें बीटेक फ्रेशर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट डिप्लोमा वालों के लिए मिनिमम 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। डिटेल्स पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे फर्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए, जिसमें आप लोगों का पे स्केल लेवल 6 के हिसाब से यानी कि बेसिक पे 35,400 रहेगी। और उसके साथ साथ आप लोगों को अलाउंसेस वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, और अलाउंसेस ऐड करने के बाद आप लोगों को ग्रॉस सैलरी 64,938 पर मंथ मिल जाएगी। जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स में से 3 साल का डिप्लोमा या तो 4 साल का BVTech की हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा वालों के लिए मिनिमम 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और उसके साथ आपके डिप्लोमा और BVTech में मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स तक रखा गया है। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट स्टैटिस्टिक्स के लिए, जिसमें आप लोगों को ग्रॉस सैलरी 64,938 पर मंथ मिल जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग स्टैटिस्टिक्स, बायो स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स और पॉपुलेशन स्टडीज़ में से 3 साल का डिप्लोमा या तो 4 साल का BVTech की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स तक रखा गया है। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट CS & IT के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में से 3 साल का डिप्लोमा या तो 4 साल का BVTech की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स तक रखा गया है। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिसिप्लिन में से 3 साल का डिप्लोमा या तो 4 साल का BVTech की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स तक रखा गया है। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट लाइफ साइंसेस के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग बायोटेक्नोलॉजी में से 3 साल का डिप्लोमा या तो 4 साल का BVTech की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग लाइफ साइंसेस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, जूलॉजी और फार्माकोलॉजी में से BSc की हो तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स तक रखा गया है। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स आप लोगों को मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस में आपके एडुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो भी मार्क्स है उसके बेसिस पे आप लोग को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्ट लिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोग को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप लोग CBT में क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन ही पे हो जाएगी। CBT का जो डेट, टाइमिंग और वेन्यू है वो आप लोग को बाद में ईमेल के थ्रू पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगर आप लोग CBT के लिए जाते हो तो उस टाइम आप लोग को कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे टोटल 95 मार्क्स का एग्जाम होगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग रखा गया है, जिसमें टोटल पेपर को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सेक्शन पे जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस और रीजनिंग में से 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी, 20 मार्क्स का एग्जाम होगा। सेक्शन बी में कंप्यूटर स्किल्स में से 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी, 15 मार्क्स का एग्जाम होगा। और थर्ड सेक्शन में आप लोग जो भी डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करोगे उसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन में से 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी और 60 मार्क्स का एग्जाम होगा। टोटल 95 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी और 95 मार्क्स का एग्जाम होगा। और उसके साथ हर एक डिसिप्लिन में अप्लाई करने के लिए आपके डिप्लोमा और BVTech में मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए। उसके साथ डिप्लोमा वालों के लिए मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, बट BTech फ्रेशर्स वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। सिमिलरली SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी यहीं पर नहीं रखा गया है, कम्प्लीटली फ्री है उन लोगों के लिए। एप्लीकेशन फ़ी आप लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोगों को इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है
उसी वेबसाइट विजिट करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। इसमें अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट रहा गया है 16th August 2023। तो फ्रेंड्स यही है इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन। आई होप आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स या तो क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF मेरा टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जरूरत के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।